हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं का प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो देखिए, नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भावनाओं की बात करी जा रही है, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट होगा। संवेगात्मक विकास डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि संवेगात्मक विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। संवेगात्मक भावात्मक विकास की शुरुआत हमारी अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने से होती है। जब हम अपनी भावनाओं को जानकर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, तो हम उन्हें प्रतिबंधित करना और पहचानना सीख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह आत्मनियंत्रण और सहानुभूति की नींव है, दोनों ही हमारे समाज के सफल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देखा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है, निम्नलिखित विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ विकास के बाद की प्रक्रिया से संबंधित हैं। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का, शीर्षगामी, अधोगामी सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद ही की बाद की प्रक्रिया से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं जरा इसका एक्सप्लेनेशन। जरा विकास का एकीकरण सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद ही प्रतिक्रिया से संबंधित होती हैं। सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, इसके बाद वह उन भागों को एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए, वह पहले पूरे हाथ की, फिर उंगलियों को, और फिर अपने हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा घटक, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटनों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, या फिर कह रहा है जैविक प्रवृत्तियाँ, आनुवंशिक बनावट। तो देखिए यहाँ पर स्कूली माहौल हो जाएगा राइट ऑप्शन। जरा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। कह रहा है, विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक, भावात्मक कारक आदि शामिल हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन को संदर्भित करते हैं और जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये कारक बच्चे की भावनाओं और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूली माहौल सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कार्य देती है, जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। देखिए उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कह रहा, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता, प्रतिवर्ती चिंतन, पलटवा, निष्क्रिय अनुक्रम अनुसरण, वस्तुस्थायित्व। तो यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल थिंकिंग की बात हो जाएगी, प्रतिवर्ती चिंतन। अब जरा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। कई बार हम जीन पियाजे के बारे में आपको बता भी चुके हैं। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस परिचालन चरण तीसरा चरण है। इस चरण में एक महत्वपूर्ण विकास प्रतिवर्तिता या जागरूकता की समझ है। इसमें बच्चा सीखता है कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है। उदाहरण, पानी को जमाया जा सकता है, फिर से तरल बनाने के लिए पिघलाया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। संवेदीगामिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पर तार्किक की बात करी जा रही है। तार्किक
कुछ समस्याओं को हल करने के लिए वे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं जो 11 से 15 साल के लिए होती है। मतलब डी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा देख लेते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, यहाँ पे कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था को कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं। तार्किक तरीके से अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम, सोच में अधिक वैज्ञानिक हो जाना, या फिर यहाँ पे कह रहा है देखिए, या फिर यहाँ पे बोल रहा है सामाजिक मुद्दों और पहचान के बारे में चिंता विकसित करना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं के निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय तार्किकता की किस अवस्था में है? देखिए पूर्व अभिसामयिक या फिर अभिसामयिक पश्चात औपचारिक अभिसामयिक। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में कह रहा है पारंपरिक अभिसामयिक नैतिकता नैतिक विकास का दूसरा चरण है, सही और गलत के संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति की विशेषता है। उदाहरण के लिए के रूप में नूरी इस तर्क हमारे संचालन समाज के प्रति कुछ दायित्व है, दायित्व के लिए हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किक की अभिसामयिक अर्थात पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में है। मीन्स यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। ले वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर अनुकरण, जैविकी परिपक्वता, पदानुक्रमत या फिर सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो देखिए वहाँ पे परिवार के साथ चर्चा करी जा रही है, मीन्स क्या बढ़ रहा है, बच्चों का सामाजिकरण हो रहा है ना। तो जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फिर इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वैगोत्स्की से संबंधित, इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है जो संस्कृत से दूसरे में भिन्न हो सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया जो सामाजिक आपसी संपर्क आपसी संबंधों पर आधारित हो जाती है। अतः ले वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब डी यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है ले वैगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में बच्चों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित कभी नहीं करना है, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए यही यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए अच्छे से। कह रहा है ले वैगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका का विद्यार्थियों के बीच चर्चा वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अध्यापिका को विद्यार्थियों को कक्षा में होने वाली चर्चाओं के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अवधारणात्मक रूप से सीख सकें। चर्चा के विषय को हर बार बदला जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी और शिक्षक अलग अलग तरीके से अपने चिंतन कौशल का विकास करें। कक्षा में चर्चा और अन्य सहयोगी गतिविधियाँ छात्रों को सीखने में मदद करती हैं। छात्र अपने साथियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है ले वैगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती हैं। यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक कारण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन, कंठस्थीकरण। तो देखिए मनोवैज्ञानिक कारण यहाँ पर मनोवैज्ञानिक उपकरण मेन यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक उपकरण राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। वैगोत्स्की का मत मानना था कि सांस्कृतिक उपकरण यानी वास्तविक उपकरण और प्रतीकात्मक उपकरण सहित संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें उन उपकरणों पर जोर दिया जाना चाहिए जो सांस्कृतिक सोच के समर्थन करने के लिए प्रदान करती है ताकि सभी उच्च स्तरीय मानसिक प्रतिक्रियाएं जैसे कि तर्क और समस्या समाधान, भाषा संकेतन, प्रतीकों जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मध्यस्थता की जाती है। वैसे इन उपकरणों को बच्चों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान सिखाते हैं और बच्चे उन्हें आत्मसात करते हैं, इसलिए बाद में मनोवैज्ञानिक उपकरण को छात्रों को स्वयं के विकास को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हार्वर्ड गार्डन के अनुसार सिद्धांत के अनुसार
जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों के अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का स्तर होता है? देखिए, उनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, जो एक दूसरे की भावनाओं और इरादों को अच्छे से समझ पाते हैं। मीन्स यहाँ पर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। कह रहा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उच्च स्तर पाया जाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से समझने, बातचीत करने की क्षमता है। इसमें प्रभावी मौखिक गैर मौखिक संचार, दूसरों के बीच अंतर करने की क्षमता, दूसरों की मना स्थिति और स्वभाव के प्रति संवेदनशीलता और कई दृष्टिकोणों का मनोरंजन करने की क्षमता शामिल है। शिक्षक, सामाजिक अंतःक्रिया, अभिनेता और राजनेता सभी अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, भाषा और की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रता को दर्शाती हैं। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को बताती है। यही यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं जरा इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए कह रहा, आंतरिक भाषण जिसे गुप्त भाषण या मौखिक भाषण मौखिक सोच के रूप में भी जाना जाता है को संज्ञानात्मक विकास, भाषण निगरानी, कार्यकारी कार्य और मनोविज्ञान के सिद्धांतों में बताया गया है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच आंतरिक स्तर को दर्शाती है। यह कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। भाषा एक प्रतीकात्मक उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने विचारों को संप्रेषित करने के साथ साथ संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर सामाजिक रूढ़िबद्धता की बात करी जा रही है। अब जरा इसको देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डी तो पहली चीज़ राइट ऑप्शन हो ही जाएगा। जरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें कह रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता एक महिला या एक पुरुष की विशिष्ट विशेषताओं या भूमिकाओं को केवल महिलाओं या पुरुषों के सामाजिक समूहों में उनकी या उनकी सदस्यता के कारणों को बताती है, प्रथा को दर्शाती है। सामाजिक भूमिका सिद्धांत के अनुसार लैंगिक रूढ़िवादिता और कार्यस्थल दोनों में सामाजिक भूमिकाओं में पुरुषों महिलाओं के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ गायन में। जेंडर रूढ़िवादिता कभी आपको इस तरीके से दिया जाए कि बॉय लड़के जो होते हैं हमेशा बाहर का काम करते हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं, या लड़के हमेशा विज्ञान मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां गायन में अच्छी होती, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें जेंडर रूढ़िवादिता की बात करी जा रही होती, वही राइट ऑप्शन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कह रहा है को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन, बी तो कभी होगा नहीं। यहाँ पे कह रहा है, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता संस्कृति के उन पहलुओं से संबंधित है जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ साथ एक ही व्यक्ति की बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं। संस्कृत एक समाज के विश्वासों, मूल्यों, व्यवहार और मानदंडों को संदर्भित करती है, जबकि विविधता और गुणवत्ता को संदर्भित जो एक वर्ग को रंग, भाषा, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सहित अद्वितीय बनाती है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। अतः एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को मुख्य समुन्नत करने के लिए एक अध्यापक को डैश जिनमें शामिल प्रस्तुत करने चाहिए। तो खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन, बंद अंत वाले प्रश्न वास्तविक जीवन से संदर्भ चुनौतियां अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पे देखिए कह रहा, संदर्भ रहित परिदृश्य, तो पहली चीज़ है यहाँ पे जो प्रश्न सही होगा वो खुले अंत वाले प्रश्न होंगे, यानी मुक्त प्रश्न होंगे। देखिए यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति का निर्णय लेने के लिए सूचना समेकित करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने की विवेकपूर्ण तर्कसंगत चिंतन का उपयोग करने की चुनौती देता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें एक विद्यार्थी की समस्या के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार कर सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हमने देख लिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर
15 आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए, मानकीकृत परीक्षणों के समूहों के उपयोग करके, गलत हो जाएगा। देखिए मानकीकृत वर्ड जो है निगेटिव वर्ड है, ठीक है, इसको कभी आपको सही नहीं करना है। फिर कह रहा है एक विशेष शिक्षक द्वारा ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग द्वारा, केवल साथ और शुरुआत में अंत में नहीं करना चाहिए। देखिए सी यहाँ पर पहली चीज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी एक बार पढ़ लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। कह रहा है रचनात्मक आकलन उन विभिन्न प्रकार की विधियों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग शिक्षक किसी पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान छात्र समझ सीखने के दौरान जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति के प्रक्रियागत मूल्यांकन के लिए करते हैं। रचनात्मक आकलन शिक्षकों की उन अवधारणाओं को पहचान करने में मदद करते हैं जिन्हें समझने में छात्रों की कठिनाई हो रही है, कौशल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है या सीखने के मानकों को उन्हें अभी तक हासिल नहीं किया है, ताकि पाठ निर्देशात्मक तकनीकों शैक्षणिक समर्थन में समायोजन किया जा सके। रचनात्मक आकलन नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ ही किया जाना चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं CDAP के, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जिससे आपके CDAP का पार्ट बहुत बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छे से तैयारी करके पेपर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।